हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम वाइचर्ली के फेमस ड्रामा द कंट्री वाइफ की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये ड्रामा एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, यानी रेस्टोरेशन पीरियड में इसे लिखा गया था और इसे सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1675 में। इसमें दो मेन प्लॉट डिवाइसेस है। पहला तो ये कि यहाँ पर एक आदमी होता है, एक रेक होता है। रेक एक ऐसा आदमी होता है जो कि लूज कैरेक्टर का होता है। वो ये प्रिटेंड करता है कि वो इम्पोर्टेंट है, यानी वो किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है औरतों के साथ, और इसी वजह से लंदन के जितने भी आदमी होते हैं वो अपनी वाइफ्स को उसकी केयर टेकिंग में छोड़कर यहाँ वहाँ जाने लगते हैं बिजनेस ट्रिप्स वगैरह पे। और इस वजह से उस रेक को पूरा मौका मिल जाता है कि वो क्लैंडेस्टाइन अफेयर्स, यानी सीक्रेटली मैरिड औरतों के साथ अफेयर कर सके। और तभी वहाँ पर एक इनएक्सपीरियंस्ड औरत आती है, कंट्री वाइफ आती है, यानी कि गांव की एक लड़की आती है। तो वो उसके साथ कैसे अफेयर करता है, उसकी ये स्टोरी है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है, जो कि एक रेक होता है, वो है हैरी हॉर्नर। और वो एक रेक था, यानी वुमेनाइजर था, और वो एक रूमर अफवाह फैला देता है कि उसे वेनेरियल डिजीज़ हो गई है, एक सेक्सुअल डिजीज़ हो गई है। और जब वो उसका ट्रीटमेंट ले रहा था, एक फ्रेंच सर्जन ने, फ्रांस के एक सर्जन ने उसे एक्सीडेंटली इम्पोर्टेंट बना दिया और वो किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ नहीं रख सकता था। और वो एक डॉक्टर को भी इस पूरे अपने प्लान में परसुएड कर लेता है, उसे भी वो अपने साथ कर लेता है। और वो एक्चुअली एक डॉक्टर नहीं था, वो एक क्वैक था, यानी उसे डॉक्टरी की कोई समझ नहीं थी। और वो क्वैक भी इसी स्टोरी को हर जगह फैला देता है कि जो हैरी हॉर्नर है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसीलिए जो उस जगह के आदमी होते हैं वो अपनी वाइफ्स, सिस्टर्स, डॉटर्स को हॉर्नर के साथ छोड़ने लगते हैं बिना शक किए। उन्हें ये बिल्कुल भी शक नहीं होता कि वो उन्हें सेड्यूस कर सकता है। तो जब ये खबर जो है हॉर्नर के दोस्तों को पता चलती है, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स उसको कंसोल करने के लिए आते हैं, यानी दुख मनाने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे, जिसमें से एक फ्रेंड का नाम होता है हारकोट। द रिच मैन हु प्रीवियसली फियर्ड हिम ब्रिंग देयर वुमेन टू स्पेंड टाइम इन द केयर ऑफ हॉर्नर। जो भी अमीर आदमी पहले उससे डरते थे, वो अब आराम से अपनी अपनी औरतों को लेकर आते हैं और उसकी केयर में छोड़कर जाते हैं, हॉर्नर की केयर में। और ये जो चीज़ थी वो हॉर्नर के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर जाती है, क्योंकि वो तो इस पूरी आशा में ही था कि किस तरीके से वो इन औरतों के साथ अफेयर करे। और अब ये जो वो नाटक कर रहा था, रियूज का मतलब होता है नाटक, इम्पोर्टेंट बनने का, ये प्लान उसका वर्क कर जाता है। और इन्हीं अमीर आदमियों में से एक आदमी होता है सर फिजेट, जो हॉर्नर से कहता है कि तुम मेरी वाइफ और उसके कंपेनियंस, उसके साथियों को तुम थिएटर तक ले जाओ। और हॉर्नर इस बात को मान जाता है, लेकिन बाद में जब उन औरतों को पता चलता है कि ये तो इम्पोर्टेंट है और ये कुछ नहीं कर सकता, तब वो जो लेडीज़ होती हैं वो उससे पीछा छुड़ाने लगती हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन फिर वो लेडी फिजेट, यानी वो जो मिस्टर फिजेट होता है, सर फिजेट, उसकी वाइफ को किनारे पर लेकर जाता है और बोलता है कि ये सब बस एक झूठ है और मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और इसीलिए वो लेडी फिजेट फिर मान जाती है उसके साथ जाने के लिए, और उसके फ्रेंड्स भी चले जाते हैं उसके साथ। हॉर्नर इज ऑल्सो विजिटेड बाय हिज फ्रेंड नेम्ड स्पार्किश। तो हॉर्नर के पास उसका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम होता है स्पार्किश। और एक मिस्टर पिंच वाइफ होते हैं, उस मिस्टर पिंच वाइफ की सिस्टर होती है एलिथिया। तो हॉर्नर के फ्रेंड स्पार्किश की एंगेजमेंट हो गई थी एलिथिया के साथ और उसकी शादी होने वाली थी एलिथिया से। और मिस्टर पिंच वाइफ, जो कि एक काफ़ी बूढ़ा आदमी था, उसने एक जवान लड़की मार्जरी से अभी अभी शादी की होती है, और उसको पता था हॉर्नर की रेपुटेशन के बारे में कि हॉर्नर एक ख़राब इंसान है और औरतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और इसीलिए मिस्टर पिंच वाइफ अपनी वाइफ मार्जरी को उससे किसी भी तरीके से दूर रखना चाहते थे, और इसीलिए वो मार्जरी को थिएटर तक नहीं ले जा रहे थे। लेकिन मार्जरी को थिएटर बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता था। और इसके अलावा
वो जब हॉरर को देखती है तो वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है, और इसीलिए वो एक आदमी का भेष बदलती है और अपने हस्बैंड के साथ थिएटर चली जाती है। और फिर थिएटर में हॉरनर देखता है कि मिस्टर पिंचवाइफ के साथ एक आदमी है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये कोई आदमी नहीं, ये मार्जरी है, मिस्टर पिंचवाइफ की वाइफ है ये। और इस तरीके से वो उसे अकेला पाकर हॉर्नर मार्जरी को किस भी करता है उसके हस्बैंड से दूर ले जाकर। फिर जो हारकॉट होता है हॉर्नर का फ्रेंड, वो उसके दूसरे फ्रेंड स्पार्किश की फियांसे एलिथिया से मिलता है और उसे एलिथिया पसंद आ जाती है। एलिथिया भी हारकोट को पसंद करने लगती है, लेकिन उसकी तो स्पार्किश से एंगेजमेंट हो रखी थी। व्हेन द कपल रिटर्न्स होम, तो जब वो कपल वापस आता है यानी मार्जरी और मिस्टर पिंच वाइफ, तब मार्जरी हॉर्नर को एक लेटर लिखती है कि कैसे वो हॉर्नर को पसंद करती है, ये सब वो उस लेटर में लिखती है और पिंच वाइफ से कहती है कि तुम ये हॉर्नर को दे आओ। पिंच वाइफ टेक्स द लेटर टू हॉर्नर थिंकिंग दैट इट माइट बी रिटन बाय हिज वाइफ टू एक्सप्रेस डिसगस्ट। पिंच वाइफ भी उस लेटर को ले जाकर हॉर्नर के मुंह पे मारता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी वाइफ ने लिखा है कि किस तरीके से वो हॉर्नर से नफरत करती है। वो काफ़ी खुश था इस बात से, लेकिन उसे एक्चुअली नहीं पता था कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। सून हॉर्नर इज विजिटेड बाय लेडी फिजिट एंड हर कंपेनियंस वन बाय वन। उसके बाद फिर जो लेडी फिजिट होती है सर फिजिट की वाइफ, वो और उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं और सर फिजिट को बेवकूफ़ बनाते हुए वो लोग सभी लोग हॉर्नर से रिलेशंस बना लेते हैं और अफेयर कर लेते हैं। सर फिजिट को ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और वो हॉर्नर के द्वारा कोकोल्डेड यानी कि बेवकूफ़ बन गए थे सक्सेसफुली। हाउएवर ही सून मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट बाय पिंच वाइफ, लेकिन बाद में पिंच वाइफ सर फिजिट को ये सब बताता है और उस तरीके से उन्हें पता चल जाता है कि वो बहुत बड़े बेवकूफ बन गए हैं। और ही सून मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट बाय पिंच वाइफ हु ब्रिंग्स अनदर लेटर फ्रॉम मार्जरी विच हैज अलिथिया सिग्नेचर। तो फिर से वो मार्जरी का एक लेटर लाए होते हैं हॉर्नर को देने के लिए, लेकिन उस पर एलिथिया का सिग्नेचर था। जो मार्जरी थी वो कहती है कि तुम्हारी बहन को हॉर्नर पसंद है, इट इज़ अ लव लेटर डायरेक्टेड टू हॉर्नर। हियरिंग अबाउट द स्कैंडल स्पार्किश ब्रेक्स हिज एंगेजमेंट विद हिज फियांसी। तो जब स्पार्किश को पता चलता है कि ये एलिथिया ने लेटर भेजा है हॉर्नर को, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फियांसी एलिथिया से अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेता है। लेकिन फिर एलिथिया मार्जरी का पूरा धोखा एक्सपोज करती है कि कैसे वो जो लेटर था वो मार्जरी ने ही लिखा था, एलिथिया ने नहीं। और जब ऑल हेल इज़ अबाउट टू ब्रेक, मतलब जब सब चीज़ें खुलने ही वाली होती है, कि तब फिर से वो डॉक्टर आता है और कहता है कि हॉर्नर तो इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह का कोई काम कर ही नहीं सकता, वो किसी को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, किसी के साथ अफेयर कर ही नहीं सकता। हॉर्नर जो है वो बाल बाल बच जाता है, फिर से नाटक अपना जारी रखता है, वो दूसरी औरतों के साथ अफेयर करता रहता है। और जबकि जो मार्जरी है उसे अपने नसीब के आगे हार माननी पड़ती है और अपने बूढ़े हस्बैंड के साथ ही उसे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी पड़ती है, वहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको इस प्ले की समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।